शिक्षा के क्षेत्र में अपना लोहा मनवा चुकी शैक्षणिक संस्था सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज द्वारा विद्यार्थियों के आत्म आकलन हेतु प्रति सप्ताह टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता को परखा जा सके। इसी कड़ी में रविवार को भी सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया। इस टेस्ट श्रृंखला में विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन करने संस्था के पूर्व छात्र एवं MBBS डॉक्टर देवज्ञा चंद्राकर पहुंचे और विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने के सूत्र बताए। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज जाना जाता है अपने बेहतर शिक्षा प्रणाली के लिए, जिसके तहत सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी यहां करवाई जाती है और प्रति सप्ताह विद्यार्थियों के आत्म आकलन के लिए टेस्ट सीरीज भी आयोजित की जाती है। इस सप्ताह भी मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाने वाले विद्यार्थियों की टेस्ट श्रृंखला आयोजित की गई और इसमें अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को उपहार देने और इनका उत्साह और हौसला बढ़ाने के लिए कॉलेज के 2014 बैच के छात्र डॉक्टर देवज्ञ चंद्राकर, जो आज MBBS डॉक्टर बन चुके हैं, बतौर अतिथि आमंत्रित किए गए। डॉक्टर देवज्ञ चंद्राकर ने मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को अपनी छोटी सी कहानी भी सुनाई और किस तरह से उन्होंने सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज की तरफ से मिले हुए मार्गदर्शन और ज्ञान को संजो कर उस पर चलकर आज एक काबिल MBBS डॉक्टर के तौर पर अपना कार्य कर रहे हैं। अरे मैं बता रहा हूँ, नीट यूजी नहीं, नीट पीजी का भी यही हाल है। अभी मैं 2 साल से दे रहा हूँ पेपर, मुझे पता है। मेरे को कैसा लगा, अरे बहुत टफ क्वेश्चन है। अब 10, पता है हमारी गलती क्या होती है, हम लोग 10% के पीछे भागते हैं। हम लोग ना 70-80% को छोड़ देते हैं। कैलकुलस मैथ्स है, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसमें कुछ नहीं है। आप 70-80% के 60% के पीछे रहो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लाइफ में ना कभी भी ना डरो मत। देखो मैं एक सिंपल फंडा बताता हूँ, मैं ज्यादा वो नहीं बोलूंगा। मैं कभी भी ना पॉजिटिव रहो लाइफ में। नेगेटिव से ना वैसे भी देखो कुछ नहीं मिलने वाला। नेगेटिव से ना कुछ आपका शरीर ही खराब होता है, कुछ नहीं होने वाला, बॉडी को ही हार्म होने वाला है उससे। किसी का, अच्छा किसी का कुछ होने वाला भी नहीं है। जो जो का जो जैसा चल रहा हो चलते ही। उसको ये रहता है कि उसको हनी अपने फ्लावर्स में जा करके हनी को निकालना है ना। रोज वो रोज जाती है, रोज निकालती है, रोज लाती है, क्योंकि उसको अपना वो बनाना रहता है, यानी हाइव में जो रहता है ना कलेक्ट करना होता है। वैसे आप कलेक्ट करते हो रोज। अपन को ये नहीं सोचना है कि अपन का सिलेक्शन होगा नहीं होगा, अपन को पहले तो काम करते रहना है। और देखना जैसे काम करते रहोगे ना, वो पॉजिटिविटी अपने आप आ जाएगी, है ना। अभी क्या होता है देखो, अपन क्या सोचते हैं पहले, ये चीज मैं भी, मेरे साथ भी होती थी, मैं भी ऐसे ही था। आप लोग कैसे सर उस समय भी हम लोग को मोटिवेट करते थे, तो मैं भी ऐसे सोचता था कि पहले से सोचता था, अरे यार होगा कि नहीं होगा ऐसे। उससे क्या होता है पता है, और ना और एंजाइटी आती है और टेंशन आता है। उसको कभी नहीं सोचना, वो बहुत गलत चीज है। मैंने जब उस चीज को ओवरकम किया ना, तब मुझे लगा अरे यार सही में पहले से सोचे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा जो होना है वही होगा, जो होना है वही होगा। अगर आपके देखो एकदम सिंपल सा फंडा है, आपके साथ आज बुरा भी हो रहा है ना, तो वो ये मान के चलो कुछ अच्छे के ही हो रहा है, कुछ बुरा भी हो रहा है ना। जैसे आज मार्क्स कम आ रहे हैं ना, तो उसको डॉक्टर देवज्ञ चंद्राकर ने विद्यार्थियों को परीक्षाओं में किस तरह से सफलता पाई जाए और परीक्षा को लेकर अपने भीतर के नकारात्मक सोच को किस तरह से सकारात्मक सोच में बदला जाए, यह बताया। उन्होंने बताया कि हर इंसान में सकारात्मक ऊर्जा और शक्तियां होती है, बशर्ते नकारात्मक शक्तियों या सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए और इससे खुद को हमेशा दूर रखना चाहिए। लक्ष्य पाने के लिए ये जरूरी होता है कि आप एक दृढ़ संकल्प ले करके पॉजिटिव रहें और उस पर काम करते रहें, तो आपकी लक्ष्य की प्राप्ति ज़रूर हो जाएगी। मुझे यहाँ से यही शिक्षा मिली कि आप अपने कार्य को ईमानदारी से और दृढ़ता पूर्वक करते रहें, जिसके कारण से मुझे आज ये सफलता मिली है और मैंने यही किया है और मुझे इसी कारण सफलता मिली है। चिरंजीव सर हमेशा हमें, मुझे भी मोटिवेट बुला करके पर्सनली मोटिवेट करते थे और बोलते थे कि आप लगातार प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। मुझे आज जैसे मैंने बताया बच्चों को, वैसे ही सर मुझे बताया करते थे और मैं वैसे ही करता था और आज उसी कारण मैं सक्सेस पे हूँ। ज़रूर, मैंने तो जब से मैंने, मेरे से कई कई साल और कई सीनियर्स यहाँ से, कई सोने निकल चुके, हीरे निकल चुके हैं और उससे भी बड़े बड़े निकल चुके हैं यहाँ से। इनका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा है और सभी बच्चे अच्छे होते हैं। बस इनको यही है, एक सही मार्गदर्शन मिलने की देरी होती है जो यहाँ से मिल रही है। और ये कर भी अच्छा रहे हैं और ये मुझे पता है कि इनमें से ही कोई
सभी निकल जाएंगे अच्छे से और एक अच्छे मुकाम को पाएंगे। सचदेव न्यू पीटी कॉलेज के डायरेक्टर चिरंजीव जैन ने बताया कि डॉक्टर देवज्ञ चंद्राकर 2014 बैच के भावी विद्यार्थी रहे हैं और उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और कुछ छोटे छोटे टिप्स को इन्होंने अपने जीवन में उतार कर आज इस सफलता को हासिल किया है। आज डॉक्टर देवज्ञ चंद्राकर जो 2014 बैच के स्टूडेंट रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और इन्होंने बच्चों से बात की और बच्चों को मार्गदर्शन दिए। हाँ, ये नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो आज की बैच है, आज जिनसे बात हो रही है। लेकिन सफलता का एक ही सूत्र है कि अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहो और मेहनत करो। ये कभी भी नहीं बदलेगा, चाहे पहले परीक्षाएं होती थी, चाहे पहले जो भी लोग जीतते थे या अपनी लड़ाइयाँ लड़ते थे या जो भी जहाँ भी ऐसी बातें होती थी कि परीक्षा प्रतिद्वंदिता आती थी, तो लक्ष्य के प्रति समर्पण सबसे महत्वपूर्ण था, वो आज भी है। और मैं देख रहा हूँ कि जब हम अपने पुराने छात्रों को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाते हैं जो कि आज सफल चिकित्सक हैं, तो दो स्तर पर अच्छा होता है। एक तो सबसे पहले तो हम सफल होते हैं क्योंकि हमारा स्टूडेंट आज मुख्य अतिथि है, और दूसरी सफलता इन बच्चों को के लिए होती है कि इनको उस व्यक्तित्व से कुछ मिला जो कि इसी तरह से कभी पढ़ाई कर रहा था, इसी तरह से एग्ज़ाम में लगा हुआ था। डॉक्टर देवज्ञ चंद्राकर ने अपने सफल जीवन के लिए अपने माता पिता के साथ सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के द्वारा दी गई शिक्षा का अहम योगदान बताया और सभी विद्यार्थियों को भी सर्वप्रथम अपना लक्ष्य निर्धारित करने और उस पर कठोरता से चलने को कहा। ACN न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।